हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीवराज सिंह और आप देख रहे हो जेएस टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक डीसी 6 वोल्ट का एक वाटर पंप बना के दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दो प्रकार की मोटर आती है जो 3 से 6 वोल्ट पे चल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वाली यूज करनी है, बड़ी वाली। ये छोटी वाली इतना अच्छा RPM नहीं है, इस बड़ी वाली का बहुत अच्छा RPM है। तो फ्रेंड्स, आपको यही लेनी है। ये आपको किसी खराब ट्रिमर के अंदर मिल जाएगी, जो शिविंग मशीन होती है ना उसके अंदर। तो आपको एक कोई भी ले सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो पंखुड़ी है ना, ये ले रहा हूँ मैं, जो ये कूलर की मोटर से निकाली है मैंने, इसको काट के बनाया है। ये जैसे ये होती है ना, ये ताड़ी, जो इसको मैंने काट के छोटा करके इसको ग्लू गन से इसे बनाया है। आप इसको वैसे भी बना सकते हो सुपर ग्लू से। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको बना के ग्लू गन लगा दिया है अंदर, एक पेन की गुली लगा दी है। और आपको एक ढक्कन चाहिए और दो ये पाइप। फ्रेंड्स, मेरे पास बड़ी पाइप नहीं थी, तो सॉरी, ये मेरे को बहुत छोटी, बहुत कम ऑयल है, इसके अंदर पानी इतना अच्छा नहीं आएगा, फिर भी ठीक है, प्रोजेक्ट के तौर पे बता रहा हूँ। और आपको ये एक चाहिए जो फैन कैपेसिटर होता है ना, उसकी बॉडी ले सकते हो। आप कोई भी बॉडी ले सकते हो जिसमें मोटर में पानी नहीं जाना चाहिए, बस यही है। ये मोटर को वाटरप्रूफ रखेगा, मोटर इसके अंदर पैक कर देंगे हम, ये वाटरप्रूफ रहेगा, मोटर के अंदर पानी नहीं जाएगा, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, आजकल ये 3 से लेके 5 वोल्ट तक के ये डीसी वाटर पंप मिल रहे हैं मार्केट में, जो कि 150 से 200 रुपये के बीच मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये वाला वाटर पंप मात्र 20 रुपये के अंदर अंदर बना के दिखाने वाला हूँ। आप 50 रुपये मान सकते हो, 20 भी मान, 20 के अंदर बन जाएगा फ्रेंड्स ये। 15 रुपये की आपको किसी ट्रिमर के अंदर निकल जाएगी मोटर। अगर मोटर आपके पास ट्रिमर नहीं है तो आप मार्केट से इसे परचेज कर सकते हो। ये मोटर आपको 20 रुपये के समथिंग आराम से अपने मार्केट में मिल जाएगी, आप पता कर लेना। तो मैं इसको मोटर को अंदर ग्लू गन से अच्छे से बिठा दिया हूँ। और ये मेरी 12 वोल्ट की जो बैटरी है फ्रेंड्स, ये बैटरी अभी डिस्चार्ज है, करीबन इसके अंदर 4 वोल्ट है, ये भी डिस हो चुकी है। तो मेरे पास कोई SMPS सप्लाई नहीं है तो मैं इसे चार्ज कर सकूं। तो मैं इसको फिर देखूंगा एक बार, इसके अंदर 4 वोल्ट है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें रात को एक 12 वोल्ट की मोटर चलाई थी, करीबन उसमें एक फ़ैन लगा के मैं उसको 2-3 घंटा चलाया था, इसी कारण ये बैटरी डिस हो गई हमारी। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से इसमें होल करके ग्लू लगा लेना है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को समझ पा रहे हो ना, वीडियो को पूरा देखा तभी समझ में आएगा। फ्रेंड्स, आपको अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आप वीडियो को कुछ भी नहीं समझ पाओगे, वीडियो में मैंने क्या क्या बताया क्या नहीं बताया है। तो आप देख सकते हो, इस प्रकार से आप ग्लू का यूज कर सकते हो, सुपर ग्लू का कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आप इसी ग्लू का करना, ये वाटर प्रूफ होती है और वाटर को ये लीक नहीं होने देगी कहीं से भी। तो इस पर थोड़ा ग्लू और डाल देता हूँ मैं, ये वाटर प्रूफ होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि इसमें लीकेजिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे, नहीं तो ये पानी नहीं उठाएगा आपका मोटर। वैसे तो फ्रेंड्स, मैं इसी प्रकार से इसको बना रहा हूँ, इसके चारों मेरा आप इसको लीकेज होने का कोई नहीं छोड़ना है, ये बहुत अच्छी रहती है। इसी प्रकार से आपको ये बना लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसको बना के सुखा के फिर मिलता हूँ आपसे। जैसे तो फ्रेंड्स, ये हमारा लगभग बन के तैयार हो चुका है, मैंने इसको पूरा ही बना डाला। फ्रेंड्स, देख सकते हो, इसको मैंने चारों मेर से वाटर प्रूफ कर दिया है, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा किधर से भी। और हमारा ये मोटर बन के कम्प्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। आपको मैं इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मोटर को पानी की स्टक में चेक करने वाला हूँ कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें मैंने इसको चेक किया था पहले, इसकी पाइप बहुत पतले लगाए हैं मैंने, थोड़े अंदर चौड़े पाइप होने चाहिए, अच्छे से वर्क करेगा। और ये मेरी बैटरी जो कि 12 वोल्ट की मैंने बनाई थी, ये बहुत तेज है, देख सकते हो फ्रेंड्स, फिर से देख सकते हो आप। नीली कलर के लिए मोटर बनाई मैंने, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे हिसाब से। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद फ्रेंड्स।